हेलो एवरीवन, लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने जाना कि रैशनल नंबर्स के ऊपर किस तरीके से काम करा जा सकता है। रैशनल नंबर्स को हमने एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर करा है, काफ़ी सारी वीडियोस, 5 से 6 वीडियोस उसके ऊपर बनी हैं। तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सारी वीडियोस को पहले देख लें, तब इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम उसका थर्ड डायमेंशन निकालने वाले हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, एक ऐसे नंबर्स जो ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1.23, अगर मैं पीछे 2323 कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब रिपीट हो रहा है। बट अपने मन ग्रहण कुछ भी 1.23472589 टाटा चलाते रहो, इस टाइप के नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स। तो इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, वो स्पेशल नाम है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है क्यू डैश से, क्यू डैश दैट मीन्स नॉट रैशनल। ओके, व्हाट आर अदर एग्जांपल्स ऑफ NTNR? एनी नंबर विद रूट, लाइक √2, √3, √5, √6, √7, √5, एनीथिंग जिसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। क्या कहना चाहता हूँ मैं, √4 ये इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, दैट इज 2 × 2। अब हमने स्टार्ट करा दिया था, हम रूट को भी ज़्यादा समझ लें, वॉट इज रूट, और यू कैन से रेडिकल फॉर्म, और यू कैन से surds। ये कुछ नाम है जो यूज करे जाते हैं, वॉट इज रूट या वॉट इज रेडिकल फॉर्म और surds। तो रूट एक्स इज नथिंग बट x^(1/2), ठीक है। कैसे, आपको पता है √4 क्या होता है, 8th क्लास में आपने कर रखा है, x^2 कैसे आया देखते हैं। मैंने आपको बोला रूट को हटाते समय क्या होता है, 1/2 हो जाता है, तो 2^2 / 1/2, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज 2^2 × 1/2, 2 से 2 कटा, 2^1 / 2, मतलब √4 क्या है, 2 है। ये रूट याद रखें कि किस तरीके से रूट एक्स का मतलब होता है x^1/2। √3 का जो मतलब होता है वो क्या होगा, x^1/3। 4th root का मतलब होगा x^1/4। अच्छा, कैन यू गेस, n रूट एन एक्स क्या होगा, ये आप मुझे बताएं। फॉर्मूला है, बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, आप पैटर्न समझें। रूट एक्स क्या है, x^1/2, x^1/3, x^1/4, x^, यस यू हैव टू टेल मी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है, ताकि और हम मोटिवेट हो जाएँ पढ़ाने के लिए। तो हमने NTNR को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐसी फॉर्म में हो, जो ऐसी फॉर्म में हो। अब ये जो नंबर्स हैं जब सॉल्व करे जाते हैं तो ऐसी फॉर्म में आते हैं, चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर में करके देखें, क्योंकि मैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में वर्किंग करना सिखाऊंगा कि लॉन्ग डिविजन मेथड से किस तरीके से करा जा सकता है। तो आपका होमवर्क है, रिवाइज लॉन्ग डिविजन मेथड ऑफ फॉर फाइंडिंग द रूट, ओके। स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो मेथड था वो, अगर आपको नहीं आता, समझ में नहीं आया था, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा अभी इस वीडियो में, आप वहाँ पर जाकर रिवाइज करें और कुछ प्रैक्टिस करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे √2 की वैल्यू कैसे निकलती है, √3 की वैल्यू कैसे निकलती है, √5 की वैल्यू कैसे निकलती है। तो
सारे तो नहीं करेंगे, कुछ देखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए, एटलीस्ट दो तो करके देखेंगे, रूट टू और रूट थ्री वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके वैसे से कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो रीकैप देते हुए आज की क्लास में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने समझी है वो है इरेशनल नंबर्स कौन सी फॉर्म में होते हैं, NTNR की फॉर्म में होते हैं, उसका मतलब क्या है ये है, और रूट टू रूट थ्री ये भी कुछ एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है पाई। क्यों है पाई एक इरेशनल नंबर, थिंक अबाउट इट। दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, दो नंबर्स के बीच में कितने इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली आपका एक होमवर्क, दो होमवर्क एंड थर्ड होमवर्क इज हाउ मैनी irrational numbers are there in between two numbers, कोई भी दो numbers हों उसके बीच में कितने irrational numbers आ सकते हैं, ये तीन चीज़ें आपको सोच के रखनी है। तो next video में आपको मिलते हैं। Thank you for watching.